हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स नॉट एवरी न्यूज इज रेलिवेंट फॉर योर यू पी एस सी प्रेपरेशन हाई माई नेम इज़ रोहित गर्चा एंड आई एम हेयर टू ब्रिंग यू विद्वेंटी फाइव ईयर एक्सपीरियंस ऑफ अभिमन यू आई ई एस विच हेज गि मोर देन ट्वेंटी टू हंड्रेड सेलेक्शन सिंस नाइनटीन नाइनटी नाइन दिस इज अ सेवन मिनट करंट अफेयर सीरीज कॉल्ड टू द पॉइंट जिद से जीत तक एवरी वन बच्चे जब भी कुछ फर्टिलाइजर सेक्टर या एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी न्यूज आती है वो हमारे यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और अभी आने वाले समय के अंदर हमारा पंजाब का पी हरियाणा का पी इसके अलावा आपका हिमाचल का राइट ये सारे पाइपलाइन के अंदर एग्जाम्स प्लान्ड है और इनमें से पंजाब एंड हरियाणा एक मेजर एग्रीकल्चरल स्टेट्स में से हैं ये दोनों ही मेजर एग्रीकल्चरल स्टेट्स हैं राइट तो यहां पे ये पर्टिकुलर टॉपिक थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है राइट right? यूपीएससी के लिए तो है ही है, क्योंकि हमारा पूरा देश ही जो हमारी मेजर चंक ऑफ पॉपुलेशन है वो प्राइमरी सेक्टर में ही काम करता है राइट right? तो आपका जो uh, ये पर्टिकुलर टॉपिक की जो वेटेज है बच्चे वो थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है और क्योंकि इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर एक टर्म है विच इज कॉल्ड यूरिया गोल्ड इट इज अ न्यू टाइप ऑफ यूरिया

तो ये 2016 में क्वेश्चन आया था कि रिलीज ऑफ नीम ऑयल इन दी ऑयल क्रिएट्स नाइट्रोजन फिक्सेशन एक नाइट्रोजन फिक्सेशन का पॉइंट बोल दिया कोटिंग स्लोज डाउन द रेट ऑफ डेजोलूशन ऑफ यूरिया इन दी ऑयल एक ये ऑप्शन दे दिया और ऐसे बाय द वे बी इज द करेक्ट आंसर इसमें है ना इट स्लोज डाउन कि यूरिया आराम से जाएगा आपके प्लांट के अंदर वेस्ट नहीं होगा बाद में यूट्रोफिकेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी किसी और लोकेशन के ऊपर आपका जो कंजम्पशन है यूरिया की वो कम हो जाएगी राइट right? क्योंकि वो बहुत देर तक आपकी सोइल को यूरिया जो है वो प्रोवाइड करता रहेगा नीम कोटेड नीम कोटिंग का ये मतलब होता है राइट right? वैसे ही अब कोटिंग एक नई टाइप की कोटिंग आई है जिसकी वजह से इसको हम कहते हैं कि इट इज कॉल्ड द यूरिया गोल्ड दोनों मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स ने ये लॉन्च किया है बच्चे पेव द वे फॉर डेवलपमेंट इन द फर्टिलाइजर सेक्टर एक चीज मैं आपको और नोट करने को बोलूंगा कि हालांकि ये जो फर्टिलाइजर्स हैं ये आपके एग्रीकल्चर के अंदर यूज होते हैं बट डू नॉट गेट कंफ्यूज कि ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर है या फिर ये कौन सी है राइट right? तो अगर सीधा सीधा यही सवाल पूछ लिया कि जो यूरिया गोल्ड है ये ये किस किसके थ्रू लॉन्च हुआ है या किसके अंडर फॉल करता है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री किसके अंडर फॉल करती है है ना तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर उसका आंसर नहीं है इट इज दिस पर्टिकुलर थिंग नाउ इट इज अ न्यू टाइप ऑफ यूरिया गोल्ड की बात करते हैं इट इज अ न्यू टाइप ऑफ सल्फर कोटेड क्यों है ये गोल्ड क्योंकि सल्फर से कोट किया गया सल्फर उसको थोड़ा सा येलो टेंट देता है सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड सल्फर यूरिया ये इंपॉर्टेंट है बच्चे इसको डायरेक्टली इस, इस तरीके से आ सकता है कि यूरिया गोल्ड ऑफन सीन इन न्यूज दिस डेज कॉमा इज ऑल्सो कॉल्ड है ना तो चार ऑप्शन दे देंगे जिसमें से एक ही होगा सल्फर यूरिया राइट तो आपको ये ध्यान में रखना है कि गोल्ड कलर क्यों आया इसको इज बिकॉज ऑफ ऑफ द प्रेजेंस सल्फर राइट और ये हिमाचल वगैरह के अंदर या पंजाब के अंदर आपको और भी सिंपल तरीके से सवाल पूछा जा सकता है आपको बस बेसिक बेसिक आइडिया क्लियर रखना है हिमाचल वाले थोड़ा सा ये भी याद रख लीजिए कि दिस यूरिया यूरिया इज बीन मैनुफेक्चर्ड बाई आरसी राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स कंपनी राइट ये एक गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है सरकारी कंपनी है ये राइट तो इनके थ्रू जो है ये मैन्युफैक्चर होगा इसकी कॉस्ट वगैरह के ऊपर ज्यादा कमेंट कर, अभी मैं नहीं करूंगा ये हमारे मेंस का ज्यादा मुद्दा है अभी के लिए हम थोड़ा सा ऊपर ऊपर समझ लेते हैं हालांकि नीचे आपको क्लास का लिंक मिल जाएगा क्लास के लिंक में आप देखोगे जब भी टॉपिक आएगा तो हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है और ज्यादा तो यहाँ पे बच्चों की भी इनपुट्स हैं राइट तो वो सब चीजें हैं तो आप एक बार क्लास भी जो है जरूर आप देखिए करंट अफेयर्स में हम उस क्लास के अलावा कुछ करते नहीं है और और रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू द यूज ऑफ यूरिया यूरिया गोल्ड लीड्स रिडक्शन इन कंजम्पशन आईसीएरियां ट्वेंटी देखते द स्लो रिलीज मैकेनिज्म मे लीड टू द रिड्यूस्ड एप्लीकेशन फ्रीक्वेंसी ऑफरिंग पोटेंशियल कॉस्ट सेविंग्स फॉर द फार्मर जैसे मैंने आपको पहले बताया कि स्लो रिलीज मैकेनिज्म है तो आपको बार बार फ्रीक्वेंटली डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी 2016 में ऑलरेडी क्वेश्चन आ गया कोई बड़ी बात नहीं होगी 2024 के अंदर 2025 के अंदर दोबारा आपको ये देखने को मिल जाए सेम ही क्वेश्चन आ सकता है बस यूरिया गोल्ड के कॉन्टेक्स्ट में आ जाएगा कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं होगी बस आपको पता होना चाहिए बेसिक है ये इट इंक्रीजिज नाइट्रोजन एड्सॉर्प्शन एफिशियंसी बाय परसेंट एंड इन टर्न इंप्रूव प्लांट ग्रोथ क्वालिटी एंड ऑफ सीड्स स्पेशली

है ना तो ये वो है कि आपको बेटर चीज भी मिल रही है और एफिशिएंसी हो, सक। हो सकता है किसी की चॉइस दूसरी इसकी कॉस्ट बेनिफिट थोड़ी सी मिलेगी आपको <coughs> आगे चलते हैं नो व्हाट इज यूरिया गोल्ड इट इज कॉल्ड सर्फल कोटेड यूरिया बिकॉज ऑफ इट्स येलो गोल्डिश कलर ये थोड़ी सी और एक्सप्लेनेशन है बच्चे यूरिया गोल्ड कंटेन ये देखिए आप

एन कैन बी डिफाइंड एज द ऑफ क्रॉप नाइट्रोजन अपटेक टू द टोटल इनपुट ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर ये बस एक टर्म है जो आपको अगेन पूछी जा सकती है एग्जाम के अंदर एंड दैट इज ऑल फॉर थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो दिस सेवन मिनट टू द पॉइंट सीरीज स्पेशली डिजाइन फॉर योर प्रस एग्जामेशन इफ यू विश टू कवर यूर करंट अफेयर होलिस्टिकली फॉर योर मेन्स एज वेल एज फॉर यंटरव्यू प्लीज चेक आउट आई एस current affairs master course 2024 it is based on trishul model you will be getting three things number one weekly classes number two weekly pdfs of current affairs number three weekly tests on current affairs the link to join the course is given in the description below zid se jeet tak and if you are ziddi enough subscribe for regular updates this tailor made current affairs master course is enough for your preparation of current affairs for UPSC Civil Service Examination 2024.